परसेंटेज के पार्ट थ्री को सॉल्व करते हैं, पेन पेपर लेकर के बैठना। और इससे पहले वाले यदि दो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि एक प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है और पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है और आगे आपको वीडियो कंटिन्यू करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बन दिया गया है कि राधा अपनी आय आय से 28% की बचत करती है। उसके बाद देखिए यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है और बचत में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में हुई परसेंट वृद्धि कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ये मान लेते आय है, आय बराबर क्या होता है, देखिए व्यय, टोटल व्यय कितना होगा और प्लस टोटल बचत कितनी होगी, तो ये होता है इनकम। अब देखिए वो क्या करती है, अपनी आय का 28% बचाती है, यानी कि वो 28% बचाती है। इसका मतलब अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 से 25, यानी कि 28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 7/25 है। यानी कि मान लीजिए उसकी आय अगर 25 है तो वो क्या करती है, 7 की बचत कर लेती है, क्योंकि बोला गया कि 28% की वो बचत कर रही है। तो देखिए 25 में से अगर वो 7 की बचत करती है तो वो क्या करती है, 18 रुपये का वो खर्च करती है। तो व्यय कितना करती है, वो 18 रुपये का व्यय करती है, कौन, राधा। अब देखिए बोला गया कि उसके व्यय, यानी कि टोटल अगर उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसका एक यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेते हैं अपने पास से, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने पास से इन सभी में जीरो को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके व्यय में क्या होगा, 25% की वृद्धि हो गई। तो इसकी 25% की जब इसमें हम वृद्धि करेंगे, 1800 का 25% कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 8 होता है 200 का जीरो हासिल 20, और 25 से कम 25 और 20 यहाँ आ जाएगा 45, यानी कि 450 के क्या हो गया, उसके व्यय में वृद्धि हो गई। इसके साथ साथ उसकी जो सेविंग में वृद्धि हुई है वो हुई है 30% की। इसका मतलब इसका जो 30% निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए का तो निकाला था, यानी कि 25% का इंक्रीज हुआ था और उसकी सेविंग में हुआ है 30% का, तो 7 * 21 यानी कि 210 का इंक्रीज इसमें हो गया। टोटल इंक्रीज उसकी क्या है, आय में कितना हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इन दोनों में कितने का इंक्रीज हुआ, व्यय में तो 450 का, और उसकी बचत में भी इंक्रीज हुआ है 210 का। तो इन दोनों का इंक्रीज हुआ है, तो व्यय में कितने का इंक्रीज होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, टोटल व्यय और सेविंग। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा 0 5 1 6 6, यानी कि 666 का उसकी आय में क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी उसकी जो आय बढ़ेगी वो 666 बढ़ेगी। तो देखिए 2500 पर उसकी आय में वृद्धि हुई है 666 की, परसेंट में कितनी हुई है ये हमसे पूछा गया था। तो हम देखिए जीरो से जीरो काट देंगे यहाँ पर, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा देखिए 5 से 25 से हम इसको काट लेते हैं, अच्छे चलिए, या पहले हम 5 से काट लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 5 * 5 एक बचेगा, 5 * 15, और यहाँ जाएगा ये 5 * 10, फिर से हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे 5 * 10, 5 * 6 = 30, 2 बचा, और यहाँ जाएगा ये 5 * 2 = 20, 26.4%। तो टोटल जो उसकी इनकम में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 26.4% का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये पार्ट थ्री है और 32 क्वेश्चन हम, यानी कि 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर है, यहाँ पर एक लेखाकार ने क्या किया, एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, यानी कि उसको 9/2 से गुणा करना था, लेकिन उनने जो क्या किया उसमें गुणा कर दी, वो कितने से कर दी, 2/9 से कर दी। तो या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 9 * 81 और यहाँ जाएगा 2 * 2 = 4। तो फर्क कितने का, देखिए आना तो चाहिए था 81 लेकिन आया कितना, सिर्फ 4 ही आया। तो कितने की कमी हो गई इसमें, कमी हो गई यहाँ पर देखिए, यहाँ जाएगा ये इसमें कम करेंगे हम 4, और यहाँ जाएगा 77 की कमी आ गई, यानी कि 77 की कमी आई है किस पर, तो त्रुटि कितनी की आ गई, 77 की। प्रतिशत में कितने की त्रुटि आई है वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए यहाँ लगा देंगे हम 81 पर 77, तो परसेंट के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, क्योंकि देखिए जो सही वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी 81, लेकिन आया है सिर्फ 4। कितने की त्रुटि आई, 77 की त्रुटि आई, किसके ऊपर आई है वो, 81 के ऊपर। परसेंट में कितनी आई है ये हमें बताना है। तो बिना सॉल्व करे भी हम इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे पॉइंट में दिए हुए हैं, छोटे वैल्यू दी गई है, आंसर जाएगा हमारा बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि देखिए 77/81 है, यानी कि 9 से हम इसको काटेंगे, 9 * 81, 9 से नंबर कोई कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे दो बार काट लेते हैं इसको। तो एक बार फिर से काटेंगे हम 9 * 7 = 63, 9 * 8 हो जाएगा यहाँ 72, तो 8 बार चला जाएगा ये 9 * 8 = 72, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा ये, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा ये 9 * 5 = 45, 5 बचा 9 * 5 = 45, फिर 9 से काट लेंगे हम इसको,
9 से इसको काटेगा, 9 आ जाएगा यहाँ 81, और यहाँ आ जाएगा 4, 9 5 45। तो देखिए लगभग में पूछा गया था, तो 95% ही आ जाएगा हमारा आंसर, बाकी इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना था। फिर अगले भी वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए 33 दिया गया यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या कितनी होगी। ये इससे कितना कम है, 30%। 30% की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 15। 100% की कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो 30% की 15 है, 100 की कितनी होगी, ये हम निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15 50 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए मान अब इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो देखिए हमें इन दोनों का अंतर दिया है वो कितना दिया है परसेंट में, 30% का, लेकिन नंबर में अंतर कितना का है, तो 15 का नंबर में अंतर है, यानी कि 30% की जो वैल्यू है वो 15 है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यानी कि वह जो संख्या होगी वो 50 होगी। यदि ए 10% बराबर है बी, तो बी का 20% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि बी जो है वो बी बराबर किसके, ए के 10% के बराबर, यानी कि 1/10 है। तो यहाँ से बोला गया कि तो बी क्या है वो, 20 का बी परसेंट कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम इनका रेशियो निकाले पलट के क्या आ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10b। ए और बी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा 10:1। तो बी कितना है यहाँ पर, 1 है, और ए कितना है यहाँ पर, 10 है। तो बोला गया कि बी 20 का बी परसेंट, बी परसेंट मतलब 1%, तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 1/100। तो 20 5 100, यानी कि 1/5, यह कितना होगा किसका। अब ऑप्शन देखिए हमें दिया गया है कि यहाँ पर देखिए ए का 5% है, ए का 3% है, ए का 2% है, या फिर ए का 4% है। तो ए कितना है, 10 है। तो देखिए ए का ये कितने परसेंट है, मान लेते हैं एक्स परसेंट है, परसेंट के लिए लगा देंगे 100 बराबर 105। ये कितना है इसके, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 9 10, और ये 2 बराबर के इस तरफ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2%। तो ए का कितना है, ये 2% है, ऑप्शन सी में दिया गया है ये। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो 1/5 है वो ए का कितना है, 2% है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया यहाँ पर, देखिए दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% कितना होगा। तो देखिए दो संख्या दी गई है, मान लेते हैं एक तो 3x है और दूसरी 4x, ये दो संख्या में दी गई है। तो पहली संख्या का 60% यानी कि इसका 60%, ये तो इसका तो 60% है, और नीचे वाले का बोला गया है कि कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 144 है, इसका 60% 144। तो दूसरी संख्या यानी कि इसका 30% इतना होगा, बस ये इक्वेशन हमें लिखनी थी इतनी, तो हम काटा कुटी कर लेंगे और आ जाएगा। तो देखिए यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म, 30 दुना में आ जाएगा यहाँ पर, ये 60, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 3 6, 6 से हम देखिए इसको काट देते हैं, या फिर हम 2 से इसको पहले यहाँ काट लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 दुना में 4, 2 उसके बाद 3 से हम इसको काट लेते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ आ जाएगा ये 2 और 3 8 24, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 48 दुना में, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 96। तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ आ रही होगी, और आपको ऐसे ही फास्ट तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक एक स्टेप हम लिखेंगे कि 3x उसका 60% / 100, फिर यहाँ लिखेंगे हम 2x इसका 30% / 100। तो ऐसे नहीं करना है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, परसेंट का साइन लगा हुआ तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि दूसरी संख्या का 30% कितना होगा, तो 96 होगा, तो देखिए सी ऑप्शन दिया गया है, 96। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे, तो देखिए संतरे तो यहाँ पर 600 है, ये तो संतरे है, और ये केले को हम कैसे लिख देते हैं, ये 400 केले हैं। अब देखिए इसका 30% क्या हो गया, तो 600 का 30% कितना होगा, 6 3 18 तो 80, 30% संतरे अच्छे हैं, तो बोला अच्छे फलों का प्रतिशत निकालना हमने। तो देखिए जो दिया गया उसको नहीं देखेंगे हम, जो पूछा गया है उसको देखेंगे, अच्छे फलों का परसेंट कितना है ये हमें बताना है। अब देखिए 600 संतरों में से अगर 30% संतरे खराब है तो अच्छे कितने होंगे, 70%, तो 600 का 70% कितना हो जाएगा, 5 6 42, यहाँ जाएगा देखिए 420। तो 600 में से 420 संतरे क्या है, वो फ्रेश है, यानी कि अच्छे हैं, अगर 30% खराब है तो डायरेक्टली इसका निकालना है। यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 600 का जो 70% होगा वो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल,
6 7 42 420, तो इतना इसको लिखना नहीं है, इसको लिखेंगे क्यों, आसान से कैलकुलेशन है। और देखिए 400 का यहाँ पर निकालना, हमने देखिए बोला गया कि 18% के लिए सड़े हुए हैं, अगर 18% सड़े हुए हैं तो 82% क्या है, अच्छे है, तो इसका 82% हम निकाल लेंगे, यानी कि 4 के गुणा 82 में करेंगे, तो यहाँ जा गए 4 दुना में 8, तो 4 8 आ जा गए 32, तो 328 क्या होगा, केले अच्छे होंगे 400 में से, तो टोटल फ्रेश कितने हैं, 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ 2 2 4 और 4 और 3 7, 748 क्या है, फ्रेश है। क्योंकि देखिए 400 का अगर 18% सड़े हुए हैं तो 82% क्या हो जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश हो जाएंगे, तो 82% हमने देखिए इतना लिखना नहीं है इसको, ऐसे देखिए 4 दुना में 8 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 8 चौक 32, तो देखिए वापस से ये 328 मिला, तो हम डायरेक्टली बिना पेन चलाए हुए इतनी कैलकुलेशन करेंगे। अब टोटल है कितने, देखिए ये टोटल है कितने यहाँ पर, ये 1000, तो ये तो आसान हो गया, ये इसका कितने परसेंट है, गुणा में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे, 74.8% क्या होगा इसमें, संतरे और केले दोनों फ्रेश होंगे, तो कहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 74.8% फ्रेश फ्रूट है इन दोनों में। पूछता कि खराब कितने हो गए, तो 100 में से इसको हम माइनस करते हैं क्योंकि अपने आप में वैल्यू 100% होती है। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है, तो देखिए गर्ल्स है और स्कूल में कौन है, बॉयज है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:7 यहाँ पर दिया हुआ है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10% और 20%, तो देखिए रेशो यहाँ पर दिया गया और प्रतिशत हमें निकालना, तो अपने हिसाब से हम इनमें 1 1 0 बढ़ा लेंगे, रेशो में हम अपने हिसाब से गुणा कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम उसमें डिवाइड लगा सकते हैं। अब 80 का 10% निकालना आसान है, यानी कि इसका में क्या हो रही है, क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्टली देखिए 10% की वृद्धि का क्या मतलब है, 10% की वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 से 11 हो जाती है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऐसे निकालते हैं इसको 11/10, तो 0 से 0 कैंसिल और 11/88, तो मन में इतना मन में ही करना होता है, तो हम निकालेंगे कि इसका 10% कितना होगा, 11/88, तो यहाँ जाए 110 की वैल्यू 88, जब इसमें देखिए 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 88, और इसमें अगर 20% की वृद्धि होगी तो यानी कि 6/5, 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 1/5, अगर 20% की वृद्धि होगी तो वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, तो यहाँ निकाल लेंगे हम इसका, देखिए 14/5 14/6 84, तो ये हो जाएगी 84 जब इसमें 20% की वृद्धि होगी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10% 7, तो 20% कितना होगा, 14 70 में 14 जहाँ कितना 84, काट लेते हैं हम इसको, देखिए 4 से 4 से इसको काट के 22 चौक, और यहाँ आ जाएगा 21 चौक 84, तो 22:21 क्या होगा, इनका नया अनुपात होगा, तो यही पूछा था हमसे कि नया अनुपात कितना होगा, 22:21 क्या होगा, इन स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 38 दिया गया है, यहाँ पर किसी संख्या 55 घटाने पर स्वयं की 80% संख्या रह जाती है, तो मूल संख्या का 4/5 कितना होगा, ये हमें बताना है, तो देखिए जब हम इसमें से 55 घटाएंगे तो यह क्या होगी, स्वयं की 80% ही रह जाएगी, यानी कि जो भी संख्या थी इसमें से हमने घटा दिया 55 को, तो वह रह गई 80%, यानी कि 20% की वैल्यू हमें 55 दे दी, ये 55 जो है ये 20% का माने, क्योंकि देखिए संख्या में तो हमने 55 की कमी की है, लेकिन वो संख्या 100% होती है अपने आप में, अब वो पहले की 80% ही रह गई, यानी कि पहले संख्या वो 100% थी, अब इस पहले की वो 80% ही रह गई, यानी कि अंतर कितना का है परसेंट में, 20% का, यानी कि जो 20% है वो, ये जो मान दिया गया 55 वो 20% का है, तो हमसे पूछा गया कि वो संख्या कितनी होगी, यानी कि 100% का मान से पूछा गया, लेकिन मूल संख्या का हमसे 4/5 पूछा गया है, 4/5 का 4/5 कितना होगा, देखिए 20 पंजे होता है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 पंजे ये हो जाएगा 4 पंजे 20 का 0 हासिल, 2 4 पंजे 20 और 2 22, जो वो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 220, तो ये हो जाएगा इसका उस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे बेसिक से, तो ऐसे करेंगे एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्स मान के सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स मानने में क्या होगा, यहाँ पर कोई संख्या एक्स थी, अब इसमें से क्या किया हमने 55 घटा दिया, तो वो संख्या क्या रहेगी अपने आप की स्वयं की 80% रहेगी, यानी कि पहले वो संख्या x थी, अब केवल वो 4/5 ही रह गई, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ये अब क्या होगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा माइनस के, यहाँ आ जाएगा ये 4x/5, और ये 55 इधर लेके आ जाएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा ये 55,
अब यहाँ जाकर देखिए 5 की गुणा हम इसे एक्स में कर देंगे तो 5x माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये 4x। तो यहाँ जाएगा देखिए x का मान कितना जाएगा यहाँ, क्योंकि 5x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो 1/x आ जाएगा, 1x यानी कि x/5 बराबर आ जाएगा यहाँ 55 के। 5 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो वो संख्या कितनी होगी यानी कि एक्स का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक्स का मान हो जाएगा 5×5=25, 26 तो 265 आ जाएगा एक्स का मान। लेकिन हमसे पूछा था उस संख्या का 4/5, तो 4/5 कितना होगा ये हम निकालेंगे। 5×5=25, 5×5=25, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यही आ जाएगा। देखिए इसमें 4×5=20, 4×5=20 तो 2 भाई, तो इतना लंबा हमें करना ही क्यों है ये, तो कर इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व करेंगे यानी कि जो दिया हुआ है वो ही देखेंगे हम, जो पूछा गया वो देखेंगे। अगर वो 80% रह गई 55 घटाने पर, इसका मतलब वो 20% घटी है प्रतिशत में, लेकिन घटी कितनी है 20% का मान 55 है, 4/5 कितना होगा ये हम निकाल लेंगे आराम से। 39 क्वेश्चन नंबर दिया गया, यहाँ पर चीनी की कीमत में 33% बढ़ जाती है, जब उसकी कीमत 33% बढ़ गई तो एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। तो देखिए प्राइस है, प्राइस मान लीजिए पहले 100 था, अभी 33% बढ़ करके हो गया 133, तो उसका जो उपभोग है यानी कि उसका जो कंजम्पशन है, जब भी व्यय समान होता है तो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि पहले वो जो चीनी की खपत करते थे 133 की करते थे, अभी जो उनकी खपत हो जाएगी वो 100 की हो जाएगी। तो कितने परसेंट की कमी इनको करनी होगी, 133 पर इनको कमी करनी होगी, कितने की 33 की परसेंट में कितनी करनी होगी ये हमसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 133 बटे ऊपर है 133, यानी कि 33 चौका होता है 132, तो यहाँ मान लीजिए आप 133 ना होकर के 132 है, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 100 को काटेगा 25 बार, तो 25% का लगभग में हमारा आंसर आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 24.8, ये 25 का क्या है नज़दीक में है, तो 24.8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उसको जो कमी करनी होगी वो 24.8% की कमी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर अमन अपनी आय का 74% खर्च कर देता है, 74% अगर वो खर्च कर गया इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 से हम इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 37/ में आ जाएगा यहाँ 50। तो देखिए आय बराबर, आय वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो अब तक तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करना, और यहाँ हो जाएगी इसकी बचत। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि यदि यहाँ पर बोला गया कि उसके व्यय 20% से बढ़ जाए और बचत 25% से बढ़ जाए, तो मान लेते उसकी आय तो देखिए 50 है और उसका खर्च कितना हो जाएगा, बोला गया 74% अगर वो खर्च करता है तो 50 में से वो 37 तो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, बचाता है वो 13। अब देखिए परसेंट में निकालने के लिए हम अपने पास से इसमें 1 1 0 और ऐड कर देंगे, क्योंकि तो रेशियो में हम गुणा भाग कर सकते हैं, 30% उसके व्यय में वृद्धि होगी, तो इसका 30% अब हम निकाल लें कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली, 3 7 हो जाएगा ये 21 और 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9 11, क्योंकि देखिए इसका यहाँ पर लिखा हुआ है 270, इसका निकालना हमने 30%, क्योंकि 30% की इसमें वृद्धि हुई है, तो यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यही चीज़ हमने करी है, इसको लिखना नहीं है, मन में ही सॉल्व कर लेंगे हम। अब देखिए बचत में क्या हुआ, 25% की वृद्धि होगी, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 4 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर, ये 4 3 12, यहाँ 1 बचेगा 4 2 9 में 32.32 की क्या हो गई, उसकी बचत में वृद्धि हो गई, तो उसके आय में कितनी वृद्धि होगी ये हमें बताना है कि उसके टोटल इनकम में कितने की वृद्धि हुई है। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस के बचत, तो दोनों में क्या कर, दोनों का मैच कर देंगे तो कितना जाएगा 5 2 और 1 आ जाएगा 3 3 1 4 और 1, यानी कि कुल 143.5 की क्या होगी, उसकी आय में वृद्धि होगी, पहले उसकी आय थी 500, वृद्धि कितनी होगी, होगी 143.5 की उसमें वृद्धि होगी, परसेंट में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 10, 5 8 आ जाएगा यहाँ 40 और 5 7 35, तो 28.7% की क्या होगी, उसकी आय में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके जैसा ही क्वेश्चन इस वीडियो में हमने पहला करा है, तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो इसमें इसका जो आंसर आ जाएगा वो 28.7% आ जाएगा, उसकी आय में जो वृद्धि होगी वो ऑप्शन बी 27.8% की होगी। तो कैसे होगी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है तो वह संख्या कितनी होगी ज्ञात करना है। मान लेते वो संख्या एक्स है, इसका 3/4
80%, 80% मतलब 4/5 बराबर कितना है 63 के। 4 से 4 खत्म, 3 से इसको काट देंगे, 3 दुना 3, 3 का 3 इस पंजे होता है 105, तो वो संख्या होगी 105 बी। नंबर 42 यहाँ पर देखिए, एक्स का 25%, एक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, एक्स माइनस के 40 का 35% 120 से कितने परसेंट अधिक होगा ये हमें बताना है, यानी कि इनका अंतर दे दिया हमें 40 का। तो देखिए एक्स प्लस के 60 का 30%, 30% मतलब 3/10 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इनका अंतर हमें दिया हुआ है 40। एक्स का 25%, इसका 25% मतलब 1/4, इन दोनों का अंतर है यहाँ पर 40 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्स कितना है। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका 60, वो सॉरी एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर देखिए इनका 20, 10 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा और 3 यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो 6 से हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 6x प्लस का, यहाँ आ जाएगा ये 6×36 360। कैसे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए 10 से हम इसको काटेंगे जाएगा 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 भी दिया हुआ है तो 3 से भी मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो पूरी हमने 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दी। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 4 से हम इसको काटेंगे 20 को, 4×5 20, तो माइनस के यहाँ जाएगा ये 5x बराबर किसके आ जाएगा ये 40 के, 6x प्लस का है 5x माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा ये x और यहाँ प्लस का आ जाएगा ये 360, और बटे में देखिए यहाँ पर ये 20 लिखा हुआ है ना ये बराबर यहाँ 40 है, तो ये 20 क्या होगा यहाँ से उठ के ये गुणा में चला जाएगा यहाँ 40 के, जब हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे 4 दुना में 8, तो यहाँ आ जाएगा ये 800, ये 360 हम इसमें से माइनस कर देंगे इधर जा कर, ये तो समान यहाँ से कितना जाएगा 0, तो यहाँ जाकर 10 में से 6 गए यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ देखिए 7 में से 3 गया 4 बचा, तो 440 आ जाएगा x का मान। अब देखिए यहाँ x का मान यहाँ पुट कर देंगे हम कितना 440, 440 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ये x माइनस के 440 सॉरी, तो x का मान 440 है, तो 400 में से 440 में से 40 माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ 400, इसका निकालेंगे हम 35%, यानी कि 7 दुना में 14 140 आ जाएगा, 400 का 35% आ जाएगा यहाँ पर देखिए 140 सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 400 और इसका निकालना हमने 35%, तो हम क्या करेंगे 200 का निकाल लेंगे 70%, क्योंकि बात एक ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 को 200×2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम 35 में करेंगे तो ये 70% हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल, 7 दुना में 14, तो 140 आ जाएगा, 400 का 35% कितना आ जाएगा 140, ये 20 से कितना अधिक है, तो देखिए ये 120 से कितना अधिक है 20 अधिक है, 20 अधिक है किस पर 120 पर, प्रतिशत में कितना अधिक है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 खत्म, और यहाँ जाएगा ये 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%, यानी कि 16/2/3% क्या होगा ये 120 से अधिक होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ ऐसी हो रही है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। एक संख्या पी में 99% का पी परसेंट जोड़ने पर प्राप्त मान जैसा बोला गया वैसे लिखते जाना, कोई संख्या पी है इसमें क्या किया गया 99 का पी परसेंट जोड़ा गया, इसमें 99 का पी प्रतिशत, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100 जोड़ा गया, उसके बाद देखिए 99 में पी के 99% के योग के बराबर हो गया, दोनों संख्या बराबर होगी कब, जब इसमें 99 में पी के 99% के योग, यानी कि इसमें जोड़ा गया पी के में परसेंट बटे में आ जाएगा और ये 100 योग के बराबर है, तो यहाँ से पी का मान, सबसे पहले हम पी का मान निकालेंगे कि इतना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि इसके इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, यहाँ पर आ जाएगा ये 100p और यहाँ पर लिखा हुआ है 99p, तो कुल मिलाकर के ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ 199p बटे में आ जाएगा ये 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ आ जाएगा देखिए ये टोटल, इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा ये 99 और 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 99 ठीक है, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 100 के, 100 से 100 कैंसिल, इधर देखिए 199p है और यहाँ पर ये 99p है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर 99p लिखा गया इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाकर इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो इधर बचेगा सिर्फ 100p, और ये बराबर किसके होगा, 9900 के। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 99। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया है इक्वेशन में, पी प्लस का 51, यानी कि पी का मान कितना है, 99। तो 99 51 कितना हो जाएगा, 150। 99 प्लस 51 बराबर कितना आ जाएगा, 150%। 150% क्या होगा, ये 928 प्लस के 72 का मान हमें निकालना है, यानी कि देखिए 928 इसका हमें निकालना है 150%, यानी कि 50 से इसको काटेंगे हम तो 3 बार जाएगा ये, और बटे में आ जाएगा ये 2, क्योंकि 150% का मतलब 100, 150 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 5 10 प्लस का यहाँ आ जाएगा ये कितना, 72। ये मान हमें निकालना है, तो 2 से हम इसको काट देंगे, यह आ जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 4 या 12, 2 दूना में 4, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा भी सॉल्व नहीं करना है, इतना ही सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि तो आंसर जो आएगा ना हमारा, इकाई अंक जो आएगा, इकाई अंक आएगा हमारा कितना, 4। या फिर आप इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 से गुणा करके 72 जोड़ना है इसमें, तो देखिए 3 चौक 12, ये 4 का आंसर आ गया, 3 चौक 12 का 2 आ जाएगा हासिल, यहाँ पर 1 लगेगा, 3 छंग 18 और 1 19, और 3 चौक 12 और 1 13 प्लस का आ जाएगा यहाँ 72। तो 2 और 2 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और 7 16, 4 हासिल 1, यहाँ आ जाएगा देखिए 13 और 1 14, और यहाँ 1, तो देखिए 1464 पूरा क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा सॉल्व नहीं करना, इकाई अंक 1 में ही 4 दिया हुआ था, तो हम इकाई अंक देख करके आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। एक तो रमेश है यहाँ, एक सुरेश है और एक यहाँ अरुण है, 3 व्यक्ति यहाँ पर दिए गए हैं। तो रमेश ने क्या किया, अगर सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, अगर इसने 10 किया होगा तो इसने 13 किया होगा, क्योंकि देखिए 30% का मतलब होता है यहाँ पर, 30% के फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है 3/10। तो देखिए रमेश ने 10 किया तो सुरेश ने 30% ज़्यादा, सॉरी सुरेश ने अगर 10 किया है तो रमेश ने उससे ज़्यादा किया है 10%, 30% यानी कि 13 उसने निवेश कर दिया। अब देखिए सुरेश ने क्या किया, अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, 40% का मतलब होता है यहाँ पर 2/5। इसने क्या किया, अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, अगर अरुण ने यहाँ पर 5 किया होगा तो इसने 2 कम 3 किया होगा, तीनों का रेशो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ देखिए जो खाली जगह है उसको बढ़ा देंगे हम यहाँ 3, तो तीनों का रेशो कितना जाएगा, यहाँ 13 39 30 और यहाँ जाएगा ये 50। अब बोला गया कि जिसने क्या किया, 8000 का निवेश किया, यानी कि ए ने 8000 का निवेश किया, ए मतलब अरुण, तो 50 का मान हमें 8000 दे दिया, और रमेश का यानी कि और सुरेश द्वारा निवेश राशि के बीच का अंतर, इन दोनों की अंतर पूछा गया कितना होगा, 9 होगा। तो आंसर जो आएगा ना हमारा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा, चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा हमारा, 7 और 1 8, 18 से 14, ये भी आंसर नहीं होगा, 9 होगा, आंसर ऑप्शन सी ही होगा हमारा, पूरा हमें सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 है, आंसर हमारा 9 का मल्टीपल ही आएगा, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं, 50 जो है वो 8000 के बराबर है, तो 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 16 5 80, 160, 160 गुणा में 9 कर देंगे हम, 16 नंबर कितने होते हैं, 144, और ये 0, तो 1440 आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 9 का मल्टीपल ही आएगा आंसर हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट है, इसके अलावा डिविजिबिलिटी है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ऑप्शन पर भी नज़र माननी है कि कौन से ऑप्शन से हम सॉल्व करके बिना सॉल्व किए पूरा क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर हमारा बिना सॉल्व करे भी आंसर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 9 का मल्टीपल जो कि 1440 है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट तरीका वैसे कुछ नहीं होता, सब बेसिक ही होता है, बाकी कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है ना तो आपको बड़ा तरीका भी शॉर्ट ही लगने लगेगा। तो यहाँ देखिए एक क्रिकेट टीम है, उसमें क्या किया गया, एक क्रिकेट टीम में 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है वो टीम। अब पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है, टोटल देखिए उसको जीतने हैं 80%, सभी मैचों में 80% मैच जीतने हैं उसको, मैच खेले कितने जा चुके हैं, 120, तो बचे कितने हैं, अब बचे कितने हैं, 125 में से 120 को माइनस करेंगे 105, 105 मैच अभी भी बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो काट लेंगे, छोटा बनाने के लिए हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5 से हमने इसमें डिवाइड लगाया, 24 5 120 और यहाँ जाएगा 21 5 105, तो यहाँ जाएगा ये 21, 5 से हमने इसको काट दिया, तो रेशो आ गया यहाँ 24 और 21। अब देखिए ये जो मैच खेले जा चुके हैं 24, यानी कि टोटल 45 मैच मान लीजिए आप, तो अब क्योंकि हमने 24
छोटा बना दिया, 125 में भी हम 5 से डिवाइड लगा देंगे तो 45 मैच मान लेंगे हम। अब देखिए जो 120 मैच खेले जा चुके हैं उसमें से 70% मैच तो उन्होंने जीत लिए, इसमें से 70% मैच वो जीत चुके हैं। अब इसमें वो कितने मैच जीते, यानी कि कितने परसेंट मैच वो जीते, ताकि ओवरऑल 80% की हमारा टारगेट पूरा हो जाए, तो शेष मैचों में उनकी सफलता दर क्या होनी चाहिए। तो देखिए सफलता दर 80% की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 10% कम है, तो इसकी भरपाई 10% के कौन करेगा, ये 24 करेंगे, 24 गुणा में 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो देखिए यहाँ पर हम सॉरी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेविएशन मेथड का भी यूज़ करेंगे, डेविएशन मेथड ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बाकी पूरा बेसिक से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर समय लगेगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जो 10% ओवरऑल हमारा 80% होना चाहिए, यहाँ पर 10% की कमी है, वो पूरा कौन करेगा, ये 24, 24 गुणा में 10 240, कहाँ पर पूरी होगी, ये 21 में, इसमें तो यहाँ पर 21 हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो 80 प्लस का यहाँ जाएगा ये 240 बटे में 21, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर इसका पूरा, जब हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे 80% प्लस के गला खराब का सॉरी के लिए, तो यहाँ जाकर देखिए इसको 3 से काटेंगे हम, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 7/80/7, 7 से हम इसको काटेंगे, शादी कम 7, यहाँ 1 बचेगा शादी कम 7, यहाँ बचेगा 3/3, तो 11 प्लस के यहाँ जाएगा 3/7, तो यहाँ जाकर देखिए 80 90 91 सही, यहाँ जाएगा 3/7%, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ये लिखा हुआ है देखिए 91 सही, यहाँ 3/7 ये परसेंट, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो बचे हुए शेष मैच है ना यहाँ पर उनके उनको अगर 80% का टारगेट पूरा करना है, तो जो बचे हुए शेष मैच है उनमें 91 सही 3/7% की दर से उनको मैच जीतने होंगे, ये लक्ष्य उनको हासिल करने के लिए। तो देखिए डेविएशन मैथड से बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और बिना कैलकुलेशन के ये समझाने में मुझे समय लगा, बाकी आप जब इसको समझ के सॉल्व करेंगे तो आप इसको लगभग 12 से 13 सेकंड में आंसर टिक करके आगे